वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अंतर्गत मदनपुर चेक नाका से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हेरिटेज को जोड़ने वाली एनएच सड़क के बंद होने की खबर के बाद राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक इस सड़क को बंद करना कहीं से भी उचित नहीं होगा। बता दें कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा यदि रास्ता बंद हो जाता है तो। ये सड़क कहाँ जाती है? ये वाल्मीकि नगर से होकर के मदनपुर होते हुए कुशीनगर पनियावा पड़ावना जी गोरखपुर रोड जाती है जहाँ फाल लाइन में और सुनने में आया है कि यह रोड बंद होने जा रहा है। बंद होने से जो समझिए कि इधर के आसपास के लोगों को बहुत भारी कठिनाई होगी आने जाने में। पगहा जो जंगल फॉरेस्ट का एक इलाका है जहाँ से आने जाने के यातायात की सब सुविधाएं भविष्य में कभी भी बंद किया जा सकता है। हालांकि मैं प्रयास करूंगा जब तक अल्टरनेट व्यवस्था नहीं बनती है तब तक वो जंगल का रास्ता बंद नहीं किया जाए। और उसी के चलते आपको याद होगा कि 18-19 के रीजन में आए थे नितिन गडकरी जी और जटहा के लोग भी और इधर पिपरासी के लोग भी काफ़ी प्रयास कर रहा था कि अनुमंडल मुख्यालय से हम लोग नज़दीक हो जाएं क्योंकि फॉरेस्ट कभी रोड ठीक होने नहीं देती है। तो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि नारायणी पे एक और ब्रिज बन जाए जिसका सर्वे का भी काम चल रहा है और सर्वे से जैसे सर्वे का काम पूरा करने के बाद जिला में भी मीटिंग इसका हुआ था। मीटिंग के बाद अब उसको मंत्रालय को भेजा जाएगा और टेंडर प्रक्रिया की काम उसकी शुरुआत की जाएगी। वाल्मीकि नगर से पब्लिक वाइब की रिपोर्ट।